नमस्कार दोस्तों, A1 एडवांस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 12 के सिलेबस ऑफ ग्रामर की बात करते हैं तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस तो हम लोग तीन प्रकार से पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस। तो हम बात करते हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, या तो हम बात करेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग पढ़ लेते हैं। पहले हम बात करेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। पहले हम क्या पढ़ेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। वो सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए कुल रूल 8 है। पहला जो रूल है आपका पार्टिसिपल का रूल है। तो हम बात करते हैं बाबू पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब और आपका एडजेक्टिव होता है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव होता है। तो हम बात करते हैं पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहला आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो दूसरा आपका होता है वह पास्ट पार्टिसिपल होता है, और जो आपका तीसरा होता है वह आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को अलग पढ़ लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को अलग पढ़ लेते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल को हम लोग अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो पहले जो हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ने के लिए देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में टोटल तीन रूल होते हैं। तीनों रूल को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। तो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो पहले हम यह पता करेंगे कि वास्तव में प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। यदि हमको यह पता हो जाए कि नहीं यह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तो हम क्या करेंगे उसको उसके नियम के हिसाब से आराम से उसको हम लोग बना लेंगे। तो बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए जैसा मैं आपको बताया कि टोटल तीन रूल होते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकेंड और रूल नंबर थर्ड। जैसा कि हम आपको ऊपर बता दिए हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, एक सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, एक सेंटेंस नंबर सेकेंड है। जैसा कि हम लोग बात करते हैं तीन कंडीशन का, तो पहला जो कंडीशन का है आपका, दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और दोनों सेंटेंस का जो आपका फिनिट वर्ब होगा वह क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। यानी बोला जाए तो वर्ब नॉट इक्वल टू आपका वर्ब होना चाहिए। उसी प्रकार से हम तीसरा और मोस्ट कंडीशन का बात करते हैं। जो तीसरा और मोस्ट, सबसे मोस्ट है कंडीशन हो क्या आपका टाइम इंटरवल है। तो जैसा हम बात कर रहे हैं टाइम इंटरवल, जैसे कि हमको शब्दों से पता चल गया है कि टाइम इंटरवल इसका आता है आपका दोनों के बीच में अंतर अवकाश। तो टाइम इंटरवल आपका लगभग 0 के बराबर होना चाहिए। तो यदि यह तीनों कंडीशन किसी दो या दो से सेंटेंस में दिखाई देता है तो हम पता कर लेंगे कि वह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं, पता हो गया कि नहीं यह वास्तव में प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो हम क्या करते हैं इसको बनाएंगे कैसे। जो बनाने का नियम होता है उसको हम देख लेते हैं। जो बनाने का नियम है, जो बनाने का नियम है वह क्या होता है, क्रिया में यानी मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर इसको हम लोग बनाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं अच्छे से एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसा कि हम आपको अभी एक एग्जांपल दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को अच्छे से समझ लिया जाएगा। तो बात करते हैं, जैसे एग्जांपल आपका आई साए इसने पुलिस स्टार आए रहने। तो देख रहे हैं आपका जो कंडीशन मैंने दे लिखवा है वो कंडीशन नंबर आपका फर्स्ट क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी दोनों का सब्जेक्ट क्या है आपका बराबर है। उसके बाद हम आपको कंडीशन नंबर सेकंड लिखवा है, कंडीशन नंबर सेकंड में देख रहे हैं दोनों का क्रिया क्या आपका अलग अलग है। एक क्रिया आपका सा है, दूसरा क्रिया आपका रैन है।
तो दोनों को दो कंडीशन फॉलो किया। अब तीसरे कंडीशन की बात करते हैं। तीसरा कंडीशन देख रहे हैं आई साइस है, यानी मैंने एक सर्प देखा आई और मैं भाग गया। देख रहे हैं दोनों की क्रियाओं के बीच में क्या हो रहा है, समय लगभग जीरो के बराबर है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नहीं आपका क्या है, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल तो हो गया, बट क्या है जब यह प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया तो हम बात करते हैं इसको बनाएंगे कैसे। अभी हम आपको नियम में लिखवाए कि क्रिया में आई जी लगाने से बनता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, जो कार्य आपका पहले समाप्त होगा उसी के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे आई एनजी लगाकर सिंपल सेंटेंस को बना देंगे। तो देख रहा हूँ देखने वाला क्रिया पहले समाप्त होगा तो सी में हम क्या करेंगे आई एनजी लगाएंगे, सीम हो जाएगा सी ये इसने फिर काम आई रैन अवे। और इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है आपका हे ड्रेव हिज स्वॉर्ड, हे ड्रेव हिज स्वॉर्ड फुल स्टॉप, हे किल्ड हिज एनमी। तो यहां बात करते हैं बच्चों जो आपका सब्जेक्ट है, दोनों का सब्जेक्ट देख रहे हैं आपका क्या है समान है, और क्रिया देख रहे हैं दोनों का क्या आपका अलग अलग है, और टाइम इंटरवल देख रहे हैं आ रहा हे ड्रेव हिज स्वॉर्ड वो अपनी तलवार खींचा, हे किल्ड हिज एनमी और अपने शत्रु को मार दिया। तो देख रहे हैं दोनों के बीच में टाइम इंटरवल क्या है आपका लगभग जीरो के बराबर है। तो खींचने वाला आपका कार्य प्रारंभ पहले होगा तो उसमें हम क्या करेंगे ड्रा में आई एन जी लगा देंगे तो ड्राइंग हो जाएगा, ड्राइंग इज स्वॉर्ड हो जाएगा फिर काम हे किल्ड हिज एनमी। तो प्यारे बच्चों यह तो सिंपल था प्रेजेंट पार्टिसिपल का यह पहला रूल था। अभी हम बात करते हैं दूसरे रूल और तीसरे रूल का। जो दूसरा रूल है उस पर हम जो चलते हैं बात करते हैं। दूसरा रूल जो होता है अभी हम लोग क्या किए हैं इज एम आर वाज वेयर को हमेशा क्रिया का सहायक क्रिया के रूप में देखते हुए आए हैं, लेकिन यहाँ पे वह सहायक क्रिया न होकर क्या होगा मुख्य क्रिया का कार्य करेगा। तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे हम आपको बताया जब इज एम आर वाज वेयर मुख्य क्रिया का कार्य करे तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय उसे हम बीइंग में बदल देते हैं। जैसा कि हम आपको बताए इज एम आर वाज वेयर यदि आपको मुख्य क्रिया का कार्य करता है तो हम सिंपल सेंटेंस बनाते समय हम उसे क्या करेंगे बीइंग में बदल देंगे। यानी कहना हम क्या चाह रहे हैं जो इज एम आर वाज वेयर है, जो इज एम आर वाज वेयर है वह बी फॉर्म वाली क्रिया है। कौन सी क्रिया है बी फॉर्म वाली क्रिया है। यदि हम बी यदि फर्स्ट फॉर्म होता है बी में हम आई एनजी लगाएंगे तो ऑलरेडी इसमें चेंज हो जाएगा बीइंग में चेंज हो जाएगा। चलिए बच्चों हम बात करते हैं इसको एग्जांपल के हिसाब से समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं आई वाज हंग्री फुल स्टॉप, आई वाज हंग्री फुल स्टॉप आई टुक माय फूड, आई वाज हंग्री फुल स्टॉप आई टुक माय फूड। यहां देखना मुख्य क्रिया नहीं है बल्कि क्या है बी फॉर्म वाली क्रिया है। तो हम क्या करते हैं इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे इसको बीइंग में बदल देंगे बीइंग हंग्री कामा आई टुक माय फूड। इस तरह से बी फॉर्म वाली क्रिया आपकी बन गई। इसको हम किसमें चेंज कर लेंगे बीइंग में चेंज कर लेंगे। यह तो था रूल नंबर सेकंड। अब इसी तरह से आपका जो रूल नंबर थर्ड है वह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड वाले में बहुत से बच्चों को
बहुत सी कठिनाइयां होती है। चलो हम उसको बात कर लेते हैं रोल नंबर थर्ड की। तो रोल नंबर थर्ड, जैसा कि हम आपको रोल नंबर फर्स्ट में बताए थे कि दोनों का आपका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट बराबर होना चाहिए, लेकिन जो रोल नंबर थर्ड है उसमें आपको सब्जेक्ट बराबर नहीं होगा, बल्कि उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, एक सेंटेंस नंबर सेकेंड है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि सेंटेंस नंबर फर्स्ट और सेंटेंस नंबर सेकेंड का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। होगा क्या चीज, जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट है, जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट है वह सेंटेंस नंबर सब्जेक्ट का कार्य करेगा। जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट व सेंटेंस नंबर सेकेंड का क्या होगा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा। उसके साथ साथ वाक्य में आपको क्या दिखाई देगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखाई देगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल या तो बोले तो हम लोग पार्टिसिपल दिखाई देगा, या तो बोल लेते हैं उसमें आपको वर्ब में आई एल जे फॉर्म आपको दिखाई देगी, है ना। यानी जो रोल नंबर थर्ड है उसमें हम बात करते हैं दो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर फर्स्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा, सेंटेंस नंबर सेकेंड का आपका सब्जेक्ट का कार्य करेगा। उसी सब यानी उसी वाला सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, या तो एक पार्टिसिपल मिलेगा या तो वर्ब में आपको आई एल जे मिलेगा, यानी दोनों एक ही चीज है, ठीक है, आपको समझने का वो फर्क होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको लिखते हैं, आई सा ए मैन फोर स्टार, मैन वाज कैरिंग ए लैंप इन हिज हैंड। आई साइ मैन फोर स्टार, द मैन वाज कैरिंग ए लैंप इन हिज हैंड। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि देख रहे हैं यहां जो मैन है, पहले वाले सब्जेक्ट का जो पहले वाले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाले सेंटेंस में क्या हो जा रहा है, आपका सब्जेक्ट हो रहा है। और उसके बाद देखिए, जब यह आपको पता होगा कि पहले वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट का कार्य करने लगता है, तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, उसको देख लेते हैं। कंबाइन आपका बनेगा आई सा ए मैन कैरिंग ए लैंप इन हिज हैंड। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है, आई सा ए मैन यानी जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो जो पार्टिसिपल होता है हम उसी के बगल में उसको लिख देते हैं, तो आपका बनेगा आई सा ए मैन कैरिंग ए लैंप इन हिज हैंड। चलिए बच्चों हम इसको दूसरे एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छे से समझ लेते हैं। यानी इस रूल में क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट की विशेषता बताई जाती है उसी ऑब्जेक्ट के बगल में हम क्या कर लेते हैं, पार्टिसिपल को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे हम बात करते हैं आयशा मुकेश फोर स्टार, ही वाज एब्यूजिंग हिज नेवर। आई सा मुकेश फुल स्टॉप, आई वॉज इन यूजिंग इज नेवर। तो देख रहे हैं यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वह यहाँ सब्जेक्ट का कार्य करने लगा, और देख रहे हैं इसमें क्या आपका पार्टिसिपल यूज हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको बनाएंगे कैसे। आप देख रहे हैं उसी ऑब्जेक्ट के बगल में हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल को लिख देंगे, तो आपका कंबाइन बनेगा कैसे, आई सा मुकेश फिर
एब्यूजिंग हिज नेबर। इस तरह से बाबू सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने का जो पहला रूल था पार्टिसिपल का, वो भी पार्टिसिपल का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था, वह प्रेजेंट पार्टिसिपल को तीनों रूल को मैं आपको समझा दिया हूँ। बाकी आप किसी भी ग्रामर या किसी भी एक्सरसाइज को आप देखेंगे, यदि वह प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो आप हमें विश्वास, पूर्ण विश्वास है कि आप उसको क्या करेंगे, अच्छे से बना लेंगे। यही तीन कंडीशन है, यदि तीन कंडीशन को हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो आपको जो भी आपका ग्रामर होगा आपके पास, उसकी पूरी एक्सरसाइज आप क्या करेंगे, आराम से उसको बिना परेशानी का आप लगा सकते हैं। यदि कोई भी आपको परेशानी या प्रॉब्लम होती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उसको भी हम लोग हम क्या करेंगे, दूर कर लेंगे। तो जैसा कि यदि हमारी बात आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें।